हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं प्रकाश पाटीदार स्वागत करता हूं आप सबका फिर से एक बार कल्याणी जूनियर्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, पिछले वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन 1 to 12 कंप्लीट कर लिए हैं, जिनको कि हमने अलग अलग 3 वीडियोस में कंप्लीट किया है। उम्मीद है आपने वो वीडियोस देखे होंगे, क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 16 तक सॉल्व करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपीजियम विथ ए बी पैरेलल डी सी, अ लाइन पैरेलल टू ए सी इंटरसेक्ट ए बी एट एक्स एंड बी सी एट वाई। प्रूव दैट ए एरिया ऑफ ए डी एक्स इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी वाई। हिंट है जॉइन एक्स सी एक्स। देखो बच्चों, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले बनाना है एक ट्रेपीजियम। ठीक है बच्चों, ट्रेपीजियम क्या होता है, जिसका ऑपोजिट पेयर क्या होता है, पैरेलल होता है, ये एक पैरेललोग्राम होता है, लेकिन इसका सिर्फ एक ही पेयर है ना, ये पेयर ही अपोजिट जो होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा, ए बी पैरेलल डी सी। ठीक है बच्चों, ए बी के बाद हम आते हैं सी और डी पर। हमें ये कहा गया है बच्चों कि ये जो आपका डायगोनल ए सी है, ये जो डायगोनल ए सी आपका है, इसी के पैरेलल लाइन है एक्स वाई। ठीक है बच्चों, इसी के पैरेलल लाइन है एक्स वाई यहाँ पर, जो कि क्या करती है बच्चों, ए बी को एक्स और वाई पर इंटरसेक्ट करती है। तो हमें प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ए डी एक्स, ए डी एक्स कहाँ दिख रहा है बच्चों, ये ए डी एक्स, ए डी एक्स किसके इक्वल होगा बच्चों, ए सी वाई के, ए सी वाई के एरिया के इक्वल होगा। तो हमें इसको यहाँ से मैच करना था, ड्रॉ करना था। अब हमें क्या करना है, हिंट दे रखा है बच्चों कि ज्वाइन कीजिए सी एक्स को, सी एक्स को ज्वाइन कर लीजिए। तो हम लिखते हैं बच्चों यहाँ पर गिवन, गिवन लिखते हैं बच्चों, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। ठीक है बच्चों, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम जिसमें ए सी एक्स वाई के पैरेलल है, एक्स वाई ए सी के पैरेलल है, या ए सी एक्स वाई के पैरेलल है, ऐसा हम कुछ भी लिख सकते हैं, गिवन है ये चीज़ हमें। एंड एक और चीज़ हमें दे रखी है बच्चों कि ए बी सी डी के पैरेलल है, ए बी सी डी या डी सी कुछ भी आप लिख सकते हैं। हमें करना है टू प्रूव, हम यहाँ पर लिखेंगे टू प्रूव। टू प्रूव में क्या लिखना है बच्चों, एरिया ऑफ ए डी एक्स, एरिया ऑफ ए डी एक्स किसके इक्वल होगा बच्चों, एरिया ऑफ ए सी वाई। ठीक है, ए डी एक्स ए सी वाई के इक्वल होगा, ऐसा हमें यहाँ पर लिखना है। अब हम करते हैं बच्चों सॉल्यूशन, तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं बच्चों इन ट्रायंगल। हम ट्रायंगल की बात करते हैं बच्चों, ए एक्स डी की, ए इन नहीं लिखते हैं हम लिखते हैं सेंस, सेंस ट्रायंगल ए बी ए एक्स डी, ए एक्स डी एंड ट्राइंगल ए एक्स डी एंड ट्राइंगल ए एक्स सी आर लाई ऑन दी सेम बेस एंड बिटवीन, सेम बेस यहाँ लिखना पड़ेगा बच्चों, सेम बेस कौन सा है हमारा, ए एक्स है ना। देखो ये ए एक्स जो है हमारा बेस है, जिसके ऊपर दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, ए डी एक्स की और ए सी एक्स की। ठीक है बच्चों, दिख रहा है आपको, इन दोनों की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो है एक्स पर है, बेस पर, और बिटवीन सेम पैरेलल लिखना है, सेम सॉरी पैरेलल्स, सेम पैरेलल्स कौन से हैं यहाँ पर, पैरेलल लाइन्स हैं हमारी ए बी एंड सी डी। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमें गिवन है कि दोनों लाइंस पैरेलल है, तो इससे हम क्या क्या कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ए एक्स डी, एरिया ऑफ ए एक्स डी या ए डी एक्स, ए डी एक्स किसके इक्वल है बच्चों यहां पर एरिया ऑफ ए एक्स सी। ठीक है बच्चों, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ए डी एक्स ए एक्स सी के इक्वल है, ए डी एक्स ए एक्स सी के इक्वल, आगे पीछे लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। अब हम बढ़ते हैं बच्चों ऑल्सो ऑल्सो इन ऑल्सो
हम फिर ट्राइंगल किस किस को हम कंपेयर करेंगे बच्चों। देखिए यहाँ पर ट्राइंगल ए एक्स सी, देखिए बच्चों ए एक्स सी को ट्राइंगल हम कंपेयर करेंगे, एंड ट्राइंगल ए वाई सी की बात कीजिए ज़रा, ए वाई सी बोथ आर ऑन सेम बेस। देखो बच्चों दो ट्राइंगल जो हमें अभी मैंने बोला है उनको कंपेयर करना है हमें, किस किस को, देखिए ये ए एक्स सी ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है, और इसके साथ ही हमें ए वाई सी को देखना है। तो बच्चों देखेंगे इसके अंदर क्या हो रहा है, ये दोनों ही क्या है सेम बेस, कौन से बेस, ए सी पर लाई करते हैं, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, सेम पैरेलल कौन सी है यहाँ पर, ए सी एंड एक्स वाई। गिवन है ऑलरेडी हमें कि ए सी के ही पैरेलल एक्स वाई है, दोनों ट्राइंगल इसके बीच में फॉर्म हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख पाएंगे बच्चों, हम लिख देंगे यहाँ पर एरिया ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे क्या बच्चों, ए एक्स सी, एरिया ऑफ ए एक्स सी, एरिया ऑफ ए एक्स सी इक्वल टू होगा किसके बच्चों, ए एक्स सी एरिया होगा ए वाई सी के, एरिया ए वाई सी के इक्वल होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी टू, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर टू हो गई। मैं जो गिवन टू प्रूव है उसको कर देता हूँ रब, ठीक है बच्चों, रब करने से हम मैं लिख दूंगा बाय इक्वेशन वन एंड टू। इक्वेशन वन और टू को देखिए क्या हो रहा है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड और इसकी राइट हैंड साइड और इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिख देंगे इक्वेशन वन एंड टू से ए डी एक्स इसके इक्वल हो जाएगा बच्चों एरिया ऑफ ए वाई सी, और जो कि हमें क्या करना है बच्चों, प्रूफ करना है, यही है ए सी वाई ए वाई सी बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इसको ए सी वाई सी या ए सी वाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम पहुंचते हैं हमारे आंसर पर, और हम यहाँ लिख देंगे बच्चों हैंस प्रूव्ड, ठीक है बच्चों, हमें इसको इस क्वेश्चन को यहाँ पर इस तरीके से करना था। एंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन 14 हमें क्या कह रहा है, इन फिगर, ये जो आपको फिगर दे रखा है बच्चों, ए पी बी क्यू और सी आर, ये तीनों ही लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं, और हमें प्रूफ करना है कि ए क्यू सी का जो एरिया होगा बच्चों वो ए पी बी आर के इक्वल होगा, है ना, पी बी आर ट्राइंगल के इक्वल होगा एरिया के। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों गिवन लिखेंगे ए पी पैरेलल बी क्यू पैरेलल सी आर, ठीक है बच्चों, ये तीनों ही पैरेलल है और हमें करना है टू प्रूफ। तो टू प्रूफ में हम लिखेंगे एरिया ऑफ ए क्यू सी इक्वल एरिया ऑफ पी बी आर, ठीक है, ये हमें करना है प्रूफ। तो अब हम यहाँ पर करते हैं बच्चों सॉल्यूशन या प्रूफ, ठीक है, सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर चुके हैं, हम यहाँ पर प्रूफ लिखेंगे बच्चों प्रूफ। देखिए बच्चों प्रूफ में हम लिखेंगे यहाँ पर ट्राइंगल ए बी क्यू एंड ट्राइंगल पी बी क्यू, ठीक है बच्चों, दो ट्राइंगल की बात करते हैं, कौन कौन से ट्राइंगल, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, दिस वन ए बी क्यू एंड पी बी क्यू, तो ये दोनों हैं बोथ ट्राइंगल्स आर ऑन दी सेम बेस, कौन सा बेस है यहाँ पर बच्चों, बी क्यू, बी क्यू बेस पर ये दोनों ट्राइंगल हैं, और बिटवीन सेम पैरेलल्स, कौन कौन से सेम पैरेलल लाइन है बच्चों यहाँ पर, ए पी एंड बी क्यू, ठीक है। तो इसको इम्प्लॉयज़ करके हम क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ए बी क्यू इक्वल होगा एरिया ऑफ पी बी क्यू, दिस इज इक्वेशन वन, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है आपको। अब हम आगे करते हैं ऑल्सो, ऑल्सो की बात की जाए तो क्या लिखते हैं हम बच्चों ट्राइंगल, अब हम बात करेंगे किसकी, हम इन दोनों ट्राइंगल की बात करेंगे, कौन से ट्राइंगल की, ट्राइंगल बी सी क्यू, बी सी क्यू एंड
ट्राइंगल बी सी क्यू एंड बी क्यू आर। ठीक है बच्चों, इन दो ट्राइंगल की बात करते हैं, तो ये भी दोनों बोथ ट्राइंगल्स आर ऑन सेम बेस। देखो बच्चों, दोनों ट्राइंगल की बात करते हैं, तो ये दोनों कहाँ हैं, सेम बेस बी क्यू पर है, सेम बेस बी क्यू एंड बिटवीन सेम पैरेलल कौन कैसे हैं यहाँ पर, बी क्यू एंड सी आर। इन दोनों पैरेलल्स के बीच में ये लाई कर रहे हैं जिनका की बेस सेम है, तो हम यहाँ पर लिख पाएंगे बच्चों कि एरिया ऑफ बी क्यू सी इक्वल होगा बच्चों एरिया ऑफ बी क्यू आर, जो कि इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है बच्चों, सीक्वेंस आप आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई इसमें इतना माइंड करने वाली बात नहीं है। ठीक है, बी क्यू सी लिखें या बी सी क्यू लिखें, आप लिख सकते हैं आगे पीछे, ठीक है ना, कोई दिक्कत उसमें नहीं होने वाली है। अब जो इक्वेशन 102 आई है बच्चों, हमने जो 102 देखी है उनको ध्यान से देखते हैं बच्चों कि देखिए, ये साइड मैं इस साइड में ऐड करता हूँ। ठीक है, मैं कौन सी साइड करता हूँ बच्चों, ऑन एडिंग 1 and 2, इक्वेशन 102 को ऐड कीजिए ज़रा। देखिए, एरिया ऑफ ए बी क्यू प्लस एरिया ऑफ बी क्यू सी, ठीक है, इक्वल हम प्लस करेंगे इधर से एरिया ऑफ पी बी क्यू प्लस एरिया ऑफ बी क्यू आर। ठीक है, दोनों को प्लस करने से मेरे पास आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, टोटल एरिया ऑफ ए क्यू सी, ए क्यू सी इक्वल टू होगा एरिया ऑफ पी बी आर। ठीक है, और ये हमें क्या करना था, हमें प्रूव करना था, हम यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है ना, देखो ये दोनों ट्राइंगल्स हम ऐड कर रहे हैं तो ये बन रहा है ना, और अगर हम ये दो ट्राइंगल ऐड कर रहे हैं तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, तो इससे एरिया इक्वल आ जाएगा और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 हमें ये कह रहा है कि ए बी सी डी हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी। देखिए बच्चों, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके की डायगोनल्स एक दूसरे को करते हैं इंटरसेक्ट एट ओ, है ना, इंटरसेक्ट करते हैं ओ पर। तो हमें बच्चों बता, और एक चीज़ दिया है कि एरिया ऑफ ए ओ डी, ए ओ डी का एरिया बी ओ सी के एरिया के इक्वल है, तो हमें ए बी सी डी को ट्रेपेजियम प्रूफ करना है। ठीक है, जो क्वाड्रिलेटरल तो है, ट्रेपेजियम प्रूफ करना है, और ट्रेपेजियम में क्या होती है, कोई एक पेयर जो होता है बच्चों, साइड का पेयर वो होना चाहिए पैरेलल, एक दूसरे के होना चाहिए पैरेलल। तो बच्चों हम लिखेंगे गिवन ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, है ना, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, और क्या दे रखा है, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ सच दैट ए ओ सी का एरिया इक्वल है बच्चों बी ओ ए ओ डी का, एरिया ऑफ ए ओ डी इक्वल टू बी ओ सी, ये हमें गिवन है बच्चों। तो टू प्रूव कर क्या करना है बच्चों, हमें टू प्रूव, हम लिखेंगे टू प्रूव व्हाट, हमको प्रूफ करना है ए बी पैरेलल सी डी या डी सी। ठीक है, ऐसा हम प्रूफ कर देंगे, एक पेयर को हम अगर क्या बच्चों प्रूफ कर दे पैरेलल, अगर ऐसा प्रूफ कर देते हैं तो ये बन जाएगा एक ट्रेपेजियम। तो इसके लिए हम लिखते हैं बच्चों प्रूफ बच्चों, क्या गिवन है हमें गिवन है एरिया ऑफ एरिया ऑफ ए ओ डी गिवन है इक्वल एरिया ऑफ बी ओ सी के, ये हमें गिवन है भैया, हम गिवन लिख देते हैं।
अब हम क्या करते हैं, ऑन एडिंग DOC, एरिया DOC ऑन बोथ साइड्स। ठीक है बच्चों, बोथ साइड में हम एरिया DOC क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो देखो बच्चों, एरिया ऑफ AOD प्लस एरिया DOC इक्वल एरिया BOC प्लस एरिया DOC। ठीक है, दोनों तरफ DOC को ऐड कर दिया। तो बच्चों इससे हमें क्या मिला, देखो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल थे हमारे पास। हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर ये एरिया इसमें ऐड कर दिया, तो ये मिल जाएगा ना हमें। तो हमें क्या लिखना है, यहाँ पर हमें लिखना है एरिया ACD या ADC, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ACD या ADC, कुछ आप जो भी आपकी इच्छा हो मर्जी से आप लिख सकते हैं, एज यू विश। अब यहाँ पर हमें लिखना है क्या, हमें लिखना है BCD। ठीक है बच्चों, ACD और BCD ये मिलेगा ना हमें। देखो बच्चों, ये ट्राइंगल हमारे पास था, हमने ये ऐड कर दिया तो ये बन गया। तो अब ये दोनों हो गए इक्वल, जो कि हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है बच्चों, इक्वेशन कौन सी हो गई, 1। अब यहाँ पर क्या है कि ऑल्सो देखिए, एक तो एरिया में ACD और BCD इक्वल हो गए, एंड ऑल्सो ट्राइंगल ACD एंड BC, ट्राइंगल BCD lie on same base। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों चीज़ों से, ये एक इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम क्या कह पाएंगे कि भैया क्या हो जाएगा, AB साइड पैरेलल हो जाएगी किसके, CD के। AB पैरेलल साइड हो जाएगी ना CD के, ऐसा ही होता है कि भैया क्या होता है कि दो ट्राइंगल का एरिया अगर इक्वल है और बेस कॉमन है, तो हम कहते हैं कि ये दोनों जो हैं ट्राइंगल्स क्या होंगे, सेम पैरेलल्स के बीच में सिचुएटेड होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से AB जो है बच्चों CD के पैरेलल आने चाहिए। तीन कंडीशन होती है, दो इक्वल मतलब तीसरी भी आपस में इक्वल। अगर हम बेस और पैरेलल साइड बताते हैं तो हम ये कहते हैं कि एरिया इक्वल बता रहे हैं, बेस कॉमन बता रहे हैं, तो क्या होगी, ये दोनों साइड पैरेलल। तो इसका मतलब कि AB CD के क्या है, पैरेलल। AB अगर CD के पैरेलल है तो जो गिवन डायग्राम है हमारा, वो क्या बच्चों, वो क्या हो जाएगा, गिवन डायग्राम एम्प्लॉयज़ करके हम लिखेंगे, एम्प्लॉयज़ ABCD इज अ ट्रैपीजियम। ठीक है बच्चों, ABCD इज अ ट्रैपीजियम। इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पर होता है। एंड मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए फिगर कुछ 14 की तरह ही है इसका। अगर हमको दे रखा है एरिया DRC एरिया इक्वल है DPC के। ठीक है बच्चों, ये एरिया इस एरिया के इक्वल है ना, एंड एरिया, अब इसमें क्या दे रखा है बच्चों, BDP का एरिया किसके इक्वल बच्चों, ARC के इक्वल है। तो हमें बताना है कि शो दैट बोथ द क्वाड्रिलेटरल्स ABCD एंड DCPR आर ट्रैपीजियम। ठीक है बच्चों, हमें ये प्रूफ करना है यहाँ पर, ये एरिया है। ठीक है बच्चों, हम लिखते हैं गिवन एरिया ऑफ DRC, एरिया ऑफ DRC इक्वल हमें दे रखा है बच्चों एरिया ऑफ DPC। ठीक है, एरिया ऑफ DPC के इक्वल हमें दे रखा है, और एंड ऑल्सो यहाँ पर गिवन है बच्चों एरिया ऑफ BDP इक्वल है एरिया ARC के, ये गिवन है। और हमें प्रूफ करना है टू प्रूफ ABCD एंड DCPR आर व्हाट, ट्रैपीजियम। ठीक है बच्चों, ये दोनों क्वाड्रिलेटरल जो दो बन रहे हैं हमारे पास, वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ये हमें प्रूफ करना है। देखिए बच्चों, प्रूफ में हम शुरू करते हैं
कि गिवन गिवन हमारे पास क्या है बच्चों, एरिया ऑफ डी आर सी, एरिया ऑफ डी आर सी इक्वल है बच्चों एरिया ऑफ डी आर सी इक्वल टू डी पी सी या डी सी पी, है ना, कुछ भी आप लिख सकते हैं वॉट एवर, एरिया में तो ये दोनों इक्वल हैं, एंड ट्राइंगल बच्चों डी आर सी एंड ट्राइंगल डी सी पी आर बोथ लाई ऑन सेम बेस, ठीक है, सेम बेस कौन सा बच्चों इसमें, सी डी या डी सी कुछ भी कह सकते हैं। देखो बच्चों एरिया में इक्वल, ये दोनों ट्राइंगल एरिया में इक्वल हैं, है ना, और ये बेस सेम है इनका, तो ये क्या होगा बच्चों, ये एक सेम एक पैरेलल सेम पैरेलल के बीच में सिचुएटेड होंगे, ये हम पढ़ते आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, इट एम्प्लॉयज़ डी सी पैरेलल किसके हो जाएगा बच्चों, पी आर या आर पी के, ठीक है, और डी सी पी आर के पैरेलल हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा देयर फॉर डी सी पी आर इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रूफ, ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट प्रूफ। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड की तरफ, ठीक है बच्चों, ये डी सी पी आर तो हो गया प्रूफ, अब हमें किसको प्रूफ करना है बच्चों, कि ए बी सी, ए बी सी डी को बताना है, किसके इक्वल बताना बच्चों, एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना है ना। देखिए यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये पैरेललोग्राम नहीं है, पैरेललोग्राम तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो साइड है ना बच्चों इक्वल नहीं है, इसलिए पैरेललोग्राम नहीं है, हमें यहाँ प्रूफ करना था ट्रेपीजियम, ठीक है बच्चों, तो डी सी पी आर क्या हो जाएगा, एक ट्रेपीजियम हो जाएगा, ट्रेपीजियम, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं, बढ़ते हैं बच्चों, तो देखिए सेकेंड चीज़ हमें जो दे रखी है वो क्या है, बी डी पी, देखिए हमें गिवन है बच्चों एरिया ऑफ बी डी पी किसके इक्वल है बच्चों, एरिया ऑफ बी डी पी एरिया किसके इक्वल है, ए सी आर के, ए आर सी लिख दीजिए, ए सी आर लिख दीजिए, ए आर सी लिख दीजिए, क्योंकि ये हमें गिवन है, तो हम मूव करते हैं बच्चों आगे। देखिए एरिया ऑफ बी डी बी पी में से मैं माइनस करता हूँ, देखिए ये जो बी डी पी आपको दे रखा है इसमें से मैं डी सी पी को माइनस कर देता हूँ, एरिया डी सी पी को माइनस कर देता हूँ, और इधर जो है ए आर सी, ए आर सी में माइनस में कर दूँगा क्या, ए आर सी ये जो ट्राइंगल है, ए आर सी पूरा ट्राइंगल है, इसमें से मैं नीचे वाला ट्राइंगल सी डी आर को माइनस कर दूँगा, देखिए सी एरिया सी डी आर, ठीक है, दोनों तरफ से माइनस करने से हमारे पास क्या बच जाएगा बच्चों, जो ऊपर वाले ट्राइंगल से बचेंगे ए डी सी, हमारे पास बचेगा बच्चों एरिया ए डी सी इक्वल एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया किसके इक्वल होगा बच्चों, डी सी बी के, डी बी डी सी लिख लीजिए। अब ये इक्वल क्यों आ रहा है बच्चों, ये भी हमें थोड़ा लॉजिक लगाना यहाँ, ये है कि बच्चों ये जो दो ट्राइंगल हम माइनस कर रहे हैं ना, मैं समझाता हूँ आपको, देखो देखो ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में से मैं ये पोर्शन माइनस कर रहा हूँ, और ये जो ट्राइंगल था इस ट्राइंगल में से मैं ये पोर्शन माइनस कर रहा हूँ, लेकिन अभी हमें गिवन है कि ये दोनों तो इक्वल है, ये दोनों पोर्शन इक्वल है, तो दोनों में से इक्वल पोर्शन कम करने से इन दोनों जो बिगर वाले हैं ये जो हैं जो लेफ्ट पार्ट होंगे वो इक्वल होंगे, है ना, इक्वल अमाउंट माइनस करने से जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा। तो पहली चीज़ तो ये कि ये दोनों एरिया में इक्वल हो गए ऊपर वाले ट्राइंगल्स, है ना, पहली चीज़ ये हो गई। ऑल्सो ऑल्सो ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी डी सी लाई ऑन सेम बेस, ठीक है बच्चों, एक चीज़ आपको दिख रही है सेम बेस कौन सा, सी डी, ठीक है, सी डी जब बेस सेम है बच्चों तो इन दोनों से हम कंक्लूजन निकाल लेते हैं क्या, कि भैया ये जो साइड डी सी होगी वो ए बी के क्या होगी, पैरेलल, ए बी पैरेलल होगी डी सी के, ठीक है, ए बी पैरेलल डी सी, और हम कह देंगे बच्चों कि ए देयरफॉर ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, ठीक है, पैरेललोग्राम होगा क्या, नहीं पैरेललोग्राम नहीं हुआ क्योंकि ये साइड इक्वल नहीं है, दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रेपीजियम, और यहाँ पर हो जाता है ये प्रूफ, ठीक है, क्वेश्चन हो जाता है हमारा यहाँ पर कंप्लीट, और एक्सरसाइज भी बच्चों इस तरीके से यहाँ पर होती है कंप्लीट, ठीक है। तो बच्चों
ये थे सारे के सारे क्वेश्चंस जो हमने यहाँ पर सॉल्व किए। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। क्वेश्चन हो सकता है कि कुछ ज़्यादा बड़े हों, लेकिन ये आसान है, ज़्यादा टिपिकल इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद एक्सरसाइज 9.4। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए कल्याणी जूनियर्स के साथ। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख सकते हैं। लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू वंस अगेन। जय हिंद, वंदे मातरम।